हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग और आप सभी को शुभ प्रभात। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप कुशल मंगल होंगे, मजे में होंगे। तो हो चुकी है सुबह और आज दिन छुट्टी का, यानी कि संडे का दिन है। संडे मतलब घर के सारे काम काम। और आवाज़ मेरी भारी इसलिए लग रखी होगी आपको क्योंकि मेरा गला हो रहा है बहुत भारी। और यहाँ पर फिलहाल मैंने मेरा गर्म पानी पी लिया है और बन रही है यहाँ पर चाय। और सभी बच्चे लोग अभी सो रहे हैं। मैं दिखाती हूँ आपको कौन क्या क्या कर रहा है। हाँ कबूतरी तो फोन देख ले, है ना? कितनी बार मना करिए सुबह से फोन मत चलाया कर, है ना? मैं समझ रही कि सो रही होगी, आराम से फोन चला रही है। बेटा पढ़ भी लिया कर थोड़ी बहुत देर, है ना? चाय पी के पढ़ ले थोड़ी देर, अभी चाय बन रही है ना। और बेटा राम जी तो अभी सो ही पड़े हैं, इसे भी जगाऊंगी अभी। मौसम भी अभी साफ है, अच्छी धूप खिलेगी लग रहा है, बादल बादल कुछ भी नहीं है, तो मौसम तो पूरी तरह साफ है क्योंकि अब फागुन का महीना चल रहा है। तो ऑलमोस्ट होली के आसपास का समय तो वैसे भी ठीक ठाक हो जाता है और गर्मी का भी थोड़ा थोड़ा एहसास होने लगता है। पूरी तरह गर्मी नहीं आई है लेकिन हाँ, सुबह शाम की तो हल्की हल्की ठंड रहती ही है लेकिन दोपहर में बहुत तेज वाली धूप पड़ती है। यहाँ बन रही है मेरी चाय। ज़्यादा काम मेरा हो चुका है, यहाँ पर पूरे बाड़े की सफाई कर दी, यानी कि थोड़ी सी हेल्प मेरे बेटे ने भी करवा दी थी क्योंकि काफ़ी मतलब बड़ा पड़ जाता है ये। बाहर का साफ़ करो, फिर अंदर का भी साफ़ करो, यानी कि यूँ समझ लो 2 घंटे पूरा इसको साफ़ करने में लग जाते हैं। तो अंदर बाहर की दोनों की साफ़ सफाई हो चुकी है। और यहाँ पर मेरी बेटी है जो पता नहीं यानी क्या कर रही है, लग रही है खेलने में। क्या कर रही है छोरी? का एक घर बन रहा है ये तेरा, है? तू क्या कर रही गौरा? गौरा देख रही है ना, है घर का बिल्डिंग बना रही है, इनका झोपड़ा बना रही है। अब बैठ जाती हूँ थोड़ी देर, थक गई सुबह से लगी पड़ी हूँ। पीऊंगी मैं यहाँ पर मेरी दूसरी चाय। तो ये मेरी दूसरी चाय है। संडे को तो कम से कम मिल ही जाती है आराम से 2 कप चाय, यानी कि नहीं छुट्टी स्कूल जाती हूँ तो वही भागम भाग मची रहती है। एक चाय भी मुश्किल से बैठ के पी पाती होंगी मैं क्योंकि वही भाग दौड़, घर की सफाई करो, खाना बनाओ, फिर बच्चे तो खैर अपने आप तैयार हो जाते हैं। बेटा तो जा ही नहीं रहा, उसके तो पेपर हो चुके तो वो तो है फ्री। बेटी जाती है तो वो खुद ही तैयार हो जाती है, तो ये बच्चों का ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता तैयार वैयार करने का। सिर्फ यह घर का काम करो, खाना बनाओ, टिफिन पैक करो, खुद तैयार हो, फिर भागो। मतलब यूँ समझ लो भाग दौड़ मची रहती है। मतलब सुबह के टाइम तो एक मशीनी अंदाज में काम करना पड़ता है। फिलहाल तो मैं पीऊँगी अभी चाय। तो इन जाती हुई सर्दियों में एक बार और बना लेते हैं मेथी की सब्जी, यानी कि ये मेथी अभी आ गई है तो इसको बना लूँगी, नहीं तो ये ज़्यादा दिन रखेंगी तो ख़राब हो जाएगी। तो इसमें क्या है, अभी ऐसा मौसम चल रहा है, कभी ठंड हो जाती है, कभी धूप हो जाती है, सभी बीमार से होते हैं। तो मेथी की सब्जी में क्या एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है, तो ये फ़ायदेमंद भी होती है और अच्छी भी होती है। तो लास्ट बार इसको बना लेते वरना गर्मी में तो ये कहाँ ही मिलेगी। तो सबसे पहले इसकी कर लेती हूँ मैं साफ़ सफाई, यानी कि इसमें डंटन वंटन बहुत ज़्यादा आते हैं। जो खेत की लगी हुई मेथी आती है उसमें इतना मतलब कचरा नहीं आता, लेकिन ये बाजार वाली मेथी है तो इसमें ये डंठल वगैरह आधे से ज़्यादा आते हैं। पत्ती तो कुछ ही निकलती है, लेकिन जो भी है इसमें से मैंने आधी मेथी के बना लिए थे पराठे और थोड़ी सी मैंने बचा ली थी कि इसकी आलू डाल के साथ में भुजिया बन जाएगी। तो मेथी आलू की जो भुजिया होती है बहुत टेस्टी बनती है और अच्छी भी लगती है। फिलहाल तो मैं इसको करूँगी साफ। बना रही हूँ सब्जी और यहाँ पर बाकी की मैंने काटा पीटी की तैयारी कर ली है। प्याज काट लिया है, 2 प्याज काटे हैं और थोड़ा सा लहसुन है और हरी मिर्च है, बस इसमें ही ये सब्जी बन जाएगी। कोई ज़्यादा मसाले इसकी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इन्हीं मसालों से ये सब्जी बन जाएगी। बस थोड़े से ऊपर से बेसिक मसाले डालते जैसे हल्दी, मिर्ची, धनिया, नमक, बस वो पड़ेगा। तो यहाँ पर फिलहाल मैंने कढ़ाई रख दी, इसमें डालूंगी सरसों का तेल, ये ले
सरसों का तेल भी खत्म होने को आ गया, याद ही नहीं रही लाने के लिए। इसमें थोड़ा फिलहाल मैंने सरसों का तेल डाल दिया है। दिमाग ऐसे ही हो जाता है कि कोई ना कोई चीज भूल ही जाते हैं। तो फिलहाल जब पहले राशन का सामान आया तो सरसों का तेल लिखाना भूल गई थी, अब ये सरसों का तेल थोड़ा सही रह गया। फिलहाल अब तो सब्जी बन जाएगी, फिर मंगा लूंगी। तेल अच्छा गर्म हो गया है तो इसमें डाल दिया मैंने जीरा और ये लहसुन और हरी मिर्च गया है। इसको थोड़ा सा भून लेंगे। भुन जाने के बाद फिर मैं डालूंगी इसमें प्याज। डाल रही हूँ इसमें मैं प्याज, लहसुन हल्का सा भुन गया है तो अब डाल दूंगी प्याज। इसको भी थोड़ा सा भूनूंगी मैं हल्का सा। तो प्याज भुन चुकी है, अब इसमें मेथी आलू जो मैंने धो करके रख दिए थे उनको डाल दूंगी। इसमें डालूंगी मैं कुछ मसाले, जैसे कि पिसा हुआ धनिया डाल दिया, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और नमक स्वाद अनुसार, जैसा भी आप खाते हैं तेज या कम उस हिसाब से। और इसमें पानी नहीं डालेंगे क्योंकि मेथी तो वैसे भी पानी छोड़ती है, तो बस इसको ढक करके पका लेंगे। बहुत सिंपल सी सब्जी है, इजी वे में बन जाती है, कोई ज़्यादा ताम झाम इसमें नहीं करना पड़ता और फटाफट से बनती है। यहाँ पे हो रहा है, मेरा बेटा कर रहा है छिड़काव, क्योंकि मिट्टी इतनी हो रखी है, बार 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 ट्रैक्टर निकलता था आता था जाता था, उसकी वजह से इतनी मिट्टी हो गई, सारी मिट्टी उड़ उड़ के अंदर आ रही थी। मैंने कहा थोड़ा सा छिड़काव कर दे तो ये मिट्टी दब जाएगी और अंदर उड़ उड़ के नहीं आएगी। अब देख लेते सब्जी के हालचाल बनी है या नहीं बनी है। तो इसमें पानी मैंने बिल्कुल नहीं डाला है, बिना पानी के ये सब्जी बन जाती, क्योंकि मेथी है जो पानी छोड़ती है तो उसी में आलू है ये गल जाते हैं। देखिए बताती हूँ आपको, तो ये सब्जी बिल्कुल बन गई है और ज़रा सी देर में बन जाती है, यानी 5-10 मिनट में ये सब्जी बन जाती है। तो सब्जी बन चुकी है, गैस को कर देते हैं बंद। अम्मा आटा पे भेजिए यो, अम्मा खराब हो रहा है। अब तक आना, अब तक भेजिए वो। इतने सारे हमने धो दिए हैं और ये यहाँ पे पानी धो रही है। अब हम बनाने जा रहे हैं ब्लूकड़ी। तो फ्रेंड्स मैं पहली बार बना रही हूँ, मेरी मम्मी ने तो बहुत बार बनाई, तो मम्मी ने बोला था कि एक बार है ना क्या बोलते हैं मैं बना के दिखाऊंगी तेरे को, फिर तू बना लेना। तो ये मैं और गोरा बनेंगे। गोरा दिखाते हुए कहाँ है, ये भी गोरा हाय करो। तो फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं छत पे, चल गोरा। तो फ्रेंड्स इधर मेरी मम्मी बना रही है होली के लिए ब्लूकड़ी। आपके यहाँ इसको क्या कहते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारे यहाँ इसको बोलते हैं ब्लूकड़ी, कहीं कहीं इसको बोलते हैं गुलरी। तो ये होली वाले दिन तो बीच में जिस दिन होली का दहन होगा उस दिन जलाई जाएंगी ये। तो उसी की तैयारी यहाँ पर चल रही है। हाँ मैं भी बना लूँ क्या, बन जाएंगी तेरे से तो हाथ गंदे करे तो। अरे ये भी तो बनाई है, मैं तो बना रही हूँ। बनेगी है नहीं कि मैं भी बना रही हूँ, बन जाएगी। बनते बने हो तो गोरा कैसे देख रही है, है? मैं गोरा को बनाना सिखा रही है पर बनी नहीं है, है? मैं गोरा को बनाना सिखा रही। क्यों हाथ गंदे करे, मत करे, हम बना लेंगे। कौन गोरा? मैं बोल रही ना हमने बन जाएगी, ऐसे थोड़ी ना ऐसे बनेंगी कोई। कैसे ऐसे? अच्छा ऐसे गोल गोल करके और कर, जैसे मैंने बनाई है ऐसे बना, ऐसे हाँ देख लो ठीक है बना लिया।
ऐसे बनी है मेरे पर डोनट जैसी, डोनट डोनट मेरी बेटी कह रही मैंने बनाई है डोनट की तरह। डोनट भी ऐसा होता है और क्या। अब हम बना रहे हैं नारियल, तो मैंने यहाँ पर दो दिए ले लिए, इसमें कुछ कंकड़ डाल दिए हैं, आप चाहो तो इसमें चने के दाने भी डाल सकते हैं। अब इसको हमने एक दूसरे के ऊपर रख के बंद कर दिया। अब इसको हम इसके ऊपर क्या है, अब गोबर लपेट देंगे जिससे कि नारियल बन जाएगा। तो इस तरीके से इसके ऊपर गोबर है तो लपेट देंगे। मामा मैं कह रहा हूँ आपसे सही नहीं बनेगा। बन गया नारियल, क्यों नहीं बनेगा, एक कंगा भी तो बना देना। कंगा मैं बनाऊंगी, कंगा ये बनाऊंगी और नारियल और थाली बना देना। थाली नहीं बनेगी, वो बनेगी दाल। हाँ दाल बनेगी और वो भी उनके कोई भी गैस चूल्हे बनेंगे है ना, खिलौने वलौने। नारियल है ना, तो बन गया ना कंगा और बना दो सिर्फ ये बनिए दाल। छेदो और कर दो उसमें। एकदम परफेक्ट बना है, परफेक्ट बना। अब हो चुकी है रात, यानी कि आज मेरा पूरा दिन इतना बिजी था मुझे सांस लेने की फुर्सत नहीं मिली। ऊपर से मेरे पति देव ने क्या मौके का फायदा उठाया कि वो बोले चल मैं तेरे साथ है ना गेहूं साफ करवा दूंगा, तो खुद तो क्या पतली गली से निकल लिए और मुझे बैठा दिया गेहूं साफ करवाने के लिए। तो उसमें काफी टाइम लग गया था क्योंकि एडवांस में ही पहले बना के रख दो तो फिर बाद के लिए टेंशन नहीं होती। तो छुट्टी का दिन भी था तो बस यही सोचा कि चलो आए हैं तो बना ही दो। बनाए क्या, वो धो ही दिए थे क्योंकि बहुत गंदे थे, धो के बनाते तो साफ हो जाते हैं गेहूं, और कपड़े वगैरह भी धोए थे बहुत सारे, हफ्ते भर के सब कपड़े हो जाते तो वो भी मैंने पूरा धोबी घाट फैला। अभी भी कपड़े मेरे सूख रहे हैं, सुबह तक सूख जाएंगे। मौसम तो ठीक ठाक है मतलब बादल हो रखा है हल्का हल्का, यानी कि पूरे दिन अच्छी धूप निकली, खूब कड़ाके की धूप निकली है और शाम को अचानक से बादल हो गया था। और आज हमने बनाए थे बलूकड़ी, यानी कि होली आने वाली है तो उससे पहले उसकी तैयारी की जाती है, यानी कि जो बलूकड़ी है गोबर से बनाई जाती है। आपके यहाँ भी शायद बनती होगी, आपके यहाँ क्या कहते हैं जरूर कॉमेंट में बताइएगा। तो हमारे यहाँ उसको बलूकड़ी बोला जाता है, वो होलिका के दहन पे क्या उनकी माला पुरो के माला बना देते हैं, फिर होलिका दहन वाले दिन उनको जलाया जाता है। और जहाँ पर होली का डाड़ा गाड़ा जाता है, जहाँ पर की बड़ी होलिका रखी जाती है वहाँ पर भी बलूकड़ी डालने के लिए जाते हैं। और फिर जो शेड माता होती है उनके भी बलूकड़ी मतलब वहाँ पे भी चढ़ाने के लिए भिजवाई जाती है, तो बच्चे चढ़ा के आते हैं। तो उसकी तैयारी क्या है, पहले से ही मन के अभी आज संडे भी है फिर टाइम मिलेगा नहीं, तो इसीलिए आज ही बना ली थी बलूकड़ी। और पूरा शेड्यूल आज मेरा बहुत बिजी रहा था, मैंने शाम को 4 बजे खाना खाया है, इवन आज मैंने नाश्ता भी नहीं करा। और अब हो चुकी है रात, अब बनाऊंगी बस खाना। अब मेरी इतनी संभाई नहीं है कि मैं सब्जी बनाऊं, सब्जी रखी हुई है सुबह की, दही रखा है तो दही खा लेंगे साथ में। और अब बनाऊंगी रोटी, और थोड़े से बर्तन भी रह गए हैं तो बर्तन भी, जो शाम को चाय पानी हुई थी तो उसके बर्तन भी पड़े हैं तो वो भी साफ होंगे, तो और उसके बाद फिर कान्हा जी को सुला दूंगी। तो बस ये मेरा आज का पूरा दिन रहा। तो आप पहुंची उस ब्लॉग की एंडिंग पर, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।